हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चेस के कॉइन को हम हिंदी में क्या और क्यों कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉइन आता है हमारा पॉन, जिसे हम हिंदी में प्यादा कहते हैं। हम इसे प्यादा क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये पैदल चलते हैं। ये एक सेना होती है जो चेस का ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं। प्यादे यानी जो पैदल चलने वाले सैनिक रहते हैं वो प्यादा। हम प्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैदल चलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नाइट, जिसे हम हिंदी में घोड़ा कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है हमें इसे हिंदी में घोड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइट हमेशा घोड़े पे चलते हैं, जो घोड़े पे चलने वाले सैनिक होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बिशप, जिसे हम हिंदी में ऊंट कहते हैं। हम इसे हिंदी में ऊंट क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये ऊंट पे चलते हैं, ऊंट पे चलने वाले सैनिक। फिर उसके बाद आता है हमारा रुख, जिसे हम हिंदी में हाथी कहते हैं। हम इसे हाथी क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये हाथी पे चलते हैं, हाथी पे चलने वाले सैनिक। फिर उसके बाद आती है हमारी क्वीन, जिसको हम वजीर कहते हैं। हम इसे वजीर क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये मंत्री है। फिर उसके बाद आता है हमारा किंग, जिसे हम हिंदी में राजा कहते हैं। क्योंकि हम इसे राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो ऑब्वियसली राजा है ही। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करिए, और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए। मैं मिलूंगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।